हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्लासरूम ऑफ सोफी। आप सभी को क्लासरूम ऑफ सोफी में स्वागत है। आज आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ वो है कैसे आप HDFC म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे मोबाइल से ही और HDFC के मोबाइल ऐप के जरिए। एक काम आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं HDFC म्यूचुअल फंड के साइट में जाके। तो चलिए उसे देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बात याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो यहाँ पर जो सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाद एक बेल आएगा, उस बेल को क्लिक कीजिए ताकि आपके पास नए वीडियोज की नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। तो इसे क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे HDFC म्यूचुअल फंड पे हम इन्वेस्ट करेंगे मोबाइल के जरिए। सबसे पहले अपने मोबाइल के मेनू पे जाइए, वहाँ पर आपको प्ले स्टोर मिलेगा, प्ले स्टोर में क्लिक कीजिए। प्ले स्टोर में क्लिक करते ही आपके पास प्ले स्टोर ओपन होगा। अब यहाँ पर आप इसे सर्च कीजिए, सर्च में लिखिए HDFC म्यूचुअल फंड, देखिए MF मोबाइल या MF मोबाइल इसे सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए इसे ओपन दिख रहा है, यहाँ पर ओपन दिख रहा है। अगर इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल दिखाएगा, उसे क्लिक कीजिए और इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद यहाँ पर ओपन दिखाएगा, उसे ओपन करते हैं। ओपन हो चुका है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग न्यू यूजर हैं, इसलिए न्यू इन्वेस्टर में हम लोग जाएंगे। तो चलिए न्यू इन्वेस्टर में क्लिक करते हैं। न्यू इन्वेस्टर में क्लिक किया, एक पेज ओपन हो रहा है, ये पेज ओपन हो चुका है। आप यहाँ पर नीचे दो ऑप्शन है, क्या आप US या कनाडा का रेसिडेंस है, अगर है तो नीचे क्लिक कीजिए और नहीं है तो ऊपर ब्लू बटन में क्लिक कीजिए। तो चलिए मैं US पर्सन या कनाडा का रेसिडेंस नहीं हूँ, इसलिए ब्लू बटन में क्लिक करता हूँ और पेज आ गया। पेज को ऊपर उठाए, आपके ऐसे डॉक्यूमेंट होना चाहिए जाके आपको नो योर कस्टमर के डॉक्यूमेंट सपोर्ट करें। आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रेडी रहना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट नंबर रहना चाहिए, इमेज ऑफ चेक लीफ अकाउंट नंबर एंड नेम शुड बी प्रिंटेड ऑन द फेस ऑफ द चेक और बैंक स्टेटमेंट। एक ही चीज आप अपने डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं, एक ही पेज आएगा, एक ही सब कुछ आएगा। सबका सुविधा के लिए हम थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं ताकि सबको सुविधा हो, इसलिए इसे डेस्कटॉप वर्जन में ही दिखाते हैं। मोबाइल वर्जन में कोई अंतर नहीं है, तो चलिए देखते हैं। डेस्कटॉप वर्जन के लिए HDFCfund.com ओपन कीजिए, उसके बाद थोड़ा नीचे आए, नीचे आपको मिलेगा ऑनलाइन HDFC MF ऑनलाइन, उसमें इन्वेस्ट में क्लिक कीजिए। यहाँ पर एक छोटा सा इन्वेस्ट बटन है, यहाँ पर क्लिक कीजिए इन्वेस्ट में। यहाँ पर एक ही तरह का कनाडा के रेसिडेंट या US के US पर्सन है कि नहीं ये पूछ रहा है, क्लिक किया। एक ही न्यू इन्वेस्टर में क्लिक किया, एक ही पेज यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, अगर आप चाहते हैं टर्म्स एंड कंडीशन क्या है यहाँ पर क्लिक करके पढ़ लीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगा पैन नंबर, जेंडर और DOB, चलिए उसे हम दे देते हैं। जेंडर सेलेक्ट कीजिए और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल दीजिए। अब डाल दिया, अब नीचे जो गो बटन है, गो बटन पे क्लिक कीजिए। गो बटन में क्लिक किया, यहाँ पे लोड हो रहा है। यहाँ पर जो पैन नंबर था वो KYC वेरीफाइड हो चुका है। अब यहाँ पर जो कंटिन्यू बटन है, कंटिन्यू बटन में क्लिक कीजिए। कंटिन्यू के लिए कंटिन्यू में क्लिक किया। अब यहाँ पर आपका जो पिन एड्रेस, पिन नंबर है, पिन नंबर मांग रहा है, एड्रेस विल बी अपडेट एज पर KYC रिकॉर्ड। चलिए पिन नंबर डाल देते हैं, आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए तो जेनरेट OTP, इसी नंबर पे आपका OTP आएगा। नंबर डाल देते हैं, चलिए आप जेनरेट OTP में क्लिक करते हैं। तो OTP क्रिएट करने के लिए क्लिक किया, आप एक OTP आएगा, OTP आपके मोबाइल पे आ चुका होगा, तो उसे यहाँ पर डाल दीजिए। उस OTP को हमने डाल दिया। अब उसके साइड में सबमिट बटन है, सबमिट बटन में क्लिक कीजिए। अगर आपके पास OTP नहीं आता है तो रिसेंट OTP में क्लिक कीजिए। हम लोग को OTP आ चुका है, OTP डाल दिया और सबमिट बटन में क्लिक किया। अब आपको डालना पड़ेगा मेल एड्रेस और यूजर आईडी, चलिए मेल एड्रेस को डाल देते हैं। मेल एड्रेस डाल दिया, अब जो यूजर आईडी डाल देते हैं, एक यूजर आईडी डाल देते हैं हम लोग। यूजर आईडी डाल दिया, अब जेनरेट पासवर्ड में क्लिक कीजिए। जेनरेट पासवर्ड ईमेल आईडी में आपका जाएगा, तो चलिए जेनरेट पासवर्ड में क्लिक करते हैं। आपका जो OTP वो ईमेल आईडी पे भेजा जाएगा। चलिए आप ईमेल आईडी को चेक कीजिए और OTP को यहाँ पर डालिए। मेल आईडी पे OTP आ चुका है,
ओटीपी को हम यहाँ पर डाल देते हैं और साइड में जो सबमिट बटन है सबमिट बटन में क्लिक करते हैं। ओटीपी डालने के बाद सबमिट होने के बाद ओटीपी नेक्स्ट पेज क्रिएट पासवर्ड फॉर यूजर आईडी। तो चलिए पहले सिलेक्ट क्वेश्चन करते कर लेते हैं फर्स्ट स्कूल, वहाँ पर एक आंसर दे देते हैं। आप क्रिएट न्यू पासवर्ड, अब पासवर्ड को क्रिएट कीजिए, अब पासवर्ड को यहाँ पर डाल दीजिए। अब डाल दिया, अब सबमिट बटन में क्लिक कीजिए, अब नेशनलिटी सिलेक्ट कीजिए, एड्रेस सिलेक्ट नेशनलिटी इंडियन, एड्रेस सिलेक्ट कीजिए, रेसिडेंशियल, ऑक्यूपेशन डिटेल, डिटेल सर्विस, ग्रॉस सैलरी इनकम 1 to 5 lakh, नेट तोड़ आज ही का डेट दे देते हैं, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन स्टेटस यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल क्योंकि पॉलिटिकली एक्सपोज नहीं हूँ, फॉरेन टैक्स लॉ के अंडर हम आते कि नहीं आते हैं इसलिए हम नो। तो चलिए आप नीचे जो कंटिन्यू बटन है कंटिन्यू बटन में क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर नॉमिनी डिटेल देना पड़ेगा, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आई डू नॉट विश टू नॉमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पर नॉमिनी देना चाहिए तो चलिए उसे हम दे देते हैं। डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा नॉमिनी का, इन्वेस्टर रिलेशनशिप दे देते हैं, एड्रेस लाइन आप कंट्री सिलेक्ट कीजिए, इंडिया, स्टेट सिलेक्ट कीजिए, चलिए वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर लिया, सिटी सिलेक्ट कीजिए कोई भी आपके पास का अगर सिटी है तो उसे सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर पिन कोड डाल दीजिए, परसेंटेज कितने परसेंटेज नॉमिनी को मिलेगा वो यहाँ पर दे दे, अगर एक से ज्यादा हो तो कितने परसेंटेज मिलेगा वही यहाँ पर देना पड़ेगा, यहाँ पर एक ही नॉमिनी है इसलिए इसे 100% हम दे देते हैं। और नीचे जो सबमिट बटन है सबमिट बटन में क्लिक करते हैं, सबमिट बटन में क्लिक किया, अब यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा बैंक का डिटेल, चलिए बैंक डिटेल डाल देते हैं। पहले सबसे पहले कौन सा बैंक का अकाउंट है उसे लिख ले, उसके बाद ब्रांच नेम, ब्रांच सिटी, अकाउंट टाइप सिलेक्ट कीजिए, आपका जो अकाउंट है सेविंग्स हो तो सेविंग्स, करंट अकाउंट हो तो करंट अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स हो तो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, सेविंग का करंट अकाउंट हो तो सिलेक्ट कीजिए, इस सेविंग अकाउंट को सेविंग्स सिलेक्ट किया, अब उसका अकाउंट नंबर डाल दीजिए, वही अकाउंट नंबर दो बार यहाँ पर टाइप कीजिए, अब यहाँ पर IFSC कोड डाल दीजिए, MICR कोड दे दिया गया है, अब बैंक चेकबुक या स्टेटमेंट को अपलोड कीजिए, प्ले ब्राउज में क्लिक कीजिए, टेस्ट चेकबुक को सिलेक्ट कीजिए और ओपन कर दिया। अब नीचे जो सबमिट बटन है सबमिट बटन में क्लिक कीजिए, सबमिट बटन में क्लिक किया जो इन्फॉर्मेशन वो पूरा हो चुका है, अब ट्रांजेक्ट नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा हमें ट्रांजेक्शन शुरू करने के लिए, तो ट्रांजेक्ट नाउ क्लिक किया, ये लॉग आउट हो चुका है, सेशन एक्सपायर होने के कारण लॉग आउट हो चुका है, फिर से लॉग इन कर लिया, उसके बाद यहाँ पर आया प्रोसीड, अब प्रोसीड में क्लिक करते हैं, पॉसिबिलिटी क्लिक करने का, अब यहाँ पर ट्रांजेक्शन, अब यहाँ पर यहाँ से मिलेगा सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और SIP से क्लिक करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट से रजिस्टर SIP, नया SIP चालू करने के लिए रजिस्टर SIP, रजिस्टर SIP पे क्लिक किया, यहाँ पर SIP रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म जो जो लगेगा वो यहाँ दिखा रहा है, तो अब चलिए हम यहाँ पर SIP रजिस्ट्रेशन थ्रू ई मैंडेट और स्टैंडिंग ट्रांजेक्शन करते हैं, उसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब बैंक सिलेक्ट करना पड़ेगा, बैंक सिलेक्ट करते हैं जो मेरा बैंक है वही सिलेक्ट किया, अब नीचे जो कंटिन्यू बटन है कंटिन्यू बटन में क्लिक करेंगे, कंटिन्यू बटन में क्लिक किया, अब यहाँ पर फोलियो नंबर दिखा रहा है, अब यहाँ पर देखिए इन्वेस्टेड थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर नो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर नो होगा, स्कीम टाइप इक्विटी सिलेक्ट स्कीम, अब यहाँ पर आपको स्कीम सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ HDFC बैलेंस फंड डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन सिलेक्ट किया, डिविडेंड ऑप्शन नॉट एप्लीकेबल, अब SIP फ्रीक्वेंसी देना पड़ेगा डेली मंथली या क्वार्टरली, मंथली करते हैं, अब डालते हैं SIP अमाउंट, आपका SIP अमाउंट कितना होगा वो डालते हैं, चलिए 1000 rupees पर महीना यहाँ पर डालेंगे, SIP डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब होगा वो दे देते हैं, नेक्स्ट 13 April को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना इंस्टॉलमेंट आप देना चाहते हैं, जितना साल देना चाहते हैं 12 भी उतना साल, मानी मैं 18 साल देना चाहता हूँ, यानी कि टोटल इंस्टॉलमेंट होगा 216 इंस्टॉलमेंट यहाँ पर दे दिया, अब यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखिए 13 मार्च 2013 को मेरा SIP खत्म होगा, अब नीचे देखिए यहाँ पर जो पॉइंट्स है उसे एग्री करने के लिए ये यहाँ पर क्लिक कीजिए चेकबॉक्स में, चेकबॉक्स में क्लिक होने के बाद यहाँ पर लास्ट में सबमिट बटन में क्लिक कीजिए, चलिए सबमिट बटन में क्लिक किया, यहाँ पर जो समरी था वो समरी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पर कॉन्फर्म बटन में क्लिक कीजिए इसे कॉन्फर्म करने के लिए, ताकि आप देख लीजिए कि सारे के सारे इंफॉर्मेशन सही है या नहीं, अब कॉन्फर्म बटन में क्लिक कीजिए, कॉन्फर्म बटन में क्लिक हो चुका है, अब नीचे देखिए रजिस्टर SIP विथ बैंक, आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, SIP डिटेल भी आप देख सकते हैं, तो रजिस्टर SIP विथ बैंक में क्लिक कीजिए इसे रजिस्टर करने के लिए, ताकि हर महीने मेरे अकाउंट से
ये ऑटो डिडक्ट हो जाए। तो चलिए इसे रजिस्टर SIP विद बैंक करते हैं। देखिए उसी के साथ आपका यूको बैंक का ई बैंकिंग खुल चुका है, क्योंकि मैंने यूको बैंकिंग से सिलेक्ट किया था, इसलिए आप जिस भी बैंक का हो उसी बैंक का ई बैंकिंग खुल जाएगा। इस बैंकिंग पे लॉगिंग कर लेते, पहले ई बैंकिंग के अकाउंट में लॉगिंग कर चुका हूं। आप यहां पर देखिए, यहां पर बिल पेमेंट है। अगर आपका अकाउंट दूसरे कोई बैंक में है लाइक SBI, अगर SBI का हो तो आप देख सकते हैं इसी चैनल के वीडियो में कैसे बिलर को रजिस्टर किया जाता है म्यूचुअल फंड का। तो चलिए यहाँ बिल पेमेंट्स में क्लिक करते हैं। यूको बैंक पे लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा बिल पेमेंट्स में क्लिक कीजिए। इसके बाद बिल पेजेंटमेंट जो है वहाँ पर क्लिक कीजिए। अब नीचे देखिए ऑलरेडी मेरा 2 म्यूचुअल फंड ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और एक रजिस्टर करना चाहता हूँ। यहाँ पर रजिस्टर जो बटन है उस रजिस्टर बटन पे क्लिक कीजिए। रजिस्टर बटन में क्लिक किया, अब यहाँ पर पे ही नेम को सर्च करना पड़ेगा। लिख देते हैं यहाँ पर HDFC लिख के अब सर्च करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 सर्च रिजल्ट है, HDFC म्यूचुअल फंड ISIP और HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस। मेरा HDFC म्यूचुअल फंड ISIP है। म्यूचुअल फंड ISIP पे क्लिक करते हैं, उसे क्लिक किया। अब नीचे देखिए यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मेल पे मिल जाएगा, जो मेल पोर्टफोलियो क्रिएट होने के बाद आपको भेजा जाता है। उसमें आप उस मेल पे दिया रहेगा यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। तो चलिए मेल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर पोर्टफोलियो नंबर दिया हुआ है। इसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है SIP रजिस्ट्रेशन नंबर, SIP रजिस्ट्रेशन नंबर। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को डालना पड़ेगा उस जगह पे। चलिए इसे कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पर डाल देते हैं यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर डाल दिया। नो अमाउंट लिमिट फॉर ऑटो पे, यहाँ पर ऑटो पे के लिए आपको कोई लिमिट दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते, आप अपने हिसाब से। नो अमाउंट लिमिट फॉर ऑटो पे और प्लीज पे ऑटोमेटिकली इफ अमाउंट लेस देन द रुपीज, आपके सुविधा के मुताबिक इसे आप चूज कीजिए। मैंने यहाँ पर नो अमाउंट लिमिट फॉर ऑटो पे दे दिया इस पे के लिए। अब नीचे एक ऐड बटन है, उस ऐड बटन को क्लिक कीजिए। ऐड बटन को क्लिक किया, अब OAC कोड आपके मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भेजा जाएगा, उस नंबर को यहाँ पर डालना पड़ेगा। मेरा मोबाइल पे कोड आ चुका है, इसी कोड को यहाँ पर डाल देते हैं। जो OAC कोड था उसे हमने डाल दिया। आप कॉन्फर्म बटन में क्लिक करते हैं। कॉन्फर्म बटन में क्लिक करते ही APE ऐड हो जाएगा आपका यूको बैंकिंग में, या आप जो भी नेट बैंकिंग या ई बैंकिंग कर रहे हैं उसमें। देखिए यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो आपने देखा कितने आसानी से आप HDFC का म्यूचुअल फंड पे डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं घर बैठे। किसी एजेंट की जरूरत नहीं है या कोई थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद फंड सिलेक्ट करते हैं तो आप खुद ही एक काम कर लीजिए, ताकि आपको 1.5-2% का ज्यादा मुनाफा मिले, जो आपका बीच का थर्ड पार्टी लेके जाता है। आशा करते हैं इस वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इतने देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए लॉट्स ऑफ थैंक यू।